अनसिनन देखा मैं यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे से बातें करते हुए नज़र आते हैं। सिद्धार्थ लेटा हुआ होता है और शहनाज उसके पैरों को सहला रही होती है। और फ्रेंड्स, ये मोमेंट काफ़ी क्यूट लगता है, काफ़ी लवली लगता है। और यहाँ पर शहनाज कहती है कि एक बार मुझे बड़ा ही दुख लगा था जब मुझे मॉडलिंग के लिए नहीं भेज कर किसी और लड़की को भेज दिया गया था और वो हार कर आई थी। फिर शहनाज कहती है कि उन लोगों को ये पता नहीं था कि मैं मॉडलिंग भी कर सकती हूँ, वरना तो मैं पक्का जीत के आती। फिर यहाँ पर शहनाज कहती है कि तुझे एक बात पता है, तभी सिद्धार्थ कहता है कि नहीं। तो वह कहती है कि हमारे स्कूल में एक बार दूसरे स्कूल से मॉडलिंग के लिए एक लड़का आया था और हमारे स्कूल की एक लड़की जो मॉडलिंग करती थी वो अपने शूज़ में लेटर लेके आई थी और उसने कहा शहनाज ये लेटर दे देना, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट है, मुझे वो पसंद है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि फिर क्या हुआ, तो शहनाज कहती है कि और वो लेटर हमारे हम सारी फ्रेंड्स ने लेकर पढ़ा। फिर वह कहती है कि उस लड़की ने फिर मुझे पसंद कर लिया रेड क्रॉस मेले में और पर मैंने नहीं हाँ बोला। फिर सिद्धार्थ कहता है फिर क्या हुआ, तो फिर कहती है शहनाज कि हमारे स्कूल के लड़के बहुत ही प्रोटेक्टिव थे हमको लेकर, वो बाहर के किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते थे, लड़ाई हो जाती थी। और फिर शहनाज कहती है कि तुझे पता है रेड क्रॉस मेला क्या होता है, सिद्धार्थ कहता है बताओ। तो फिर शहनाज कहती है कि वहाँ पर सारे स्कूल्स के आते हैं डलहौसी में, वहाँ पर गाने वगैरह लगाए जाते हैं और एक दूसरे से स्कूल के लड़के जेलस भी होते हैं। और वह बताती है कि वहाँ पे बहुत सारे हॉर्स होते हैं, हॉर्स वाला मेला लगता है और वहाँ पे कूपन्स ख़रीदने होते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि पैसे तुम घर से लेके आते थे, तो शहनाज कहती है कि नहीं, वो टीचर्स लोग देते थे कि किसे कितने कूपन्स ख़रीदने हैं, पैसे वगैरह टीचर्स देते थे। फिर यहाँ पर शहनाज कहती है कि वहाँ पर गाने लगवाए जाते थे, जैसे कि इस लड़की के लिए ये गाना लगवा देते थे लड़के, और जैसे दूसरे स्कूल के लड़के हमारे स्कूल की लड़कियों का नाम लेकर उन लोगों के लिए गाना अनाउंस करवाते थे। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ पूछता है फिर क्या होता था। फिर शहनाज कहते हैं कि लड़की जानबूझकर दूसरे लड़कों को लाइन दे देती थी, लड़ते रहो तुम लोग झगड़ते रहो, ऐसा बोलती है शहनाज। फिर शहनाज कहती है कि हमारे स्कूल के लड़कों ने बोल रखा था कि अगर दूसरे स्कूल का कोई लड़का तुम्हें छेड़े या परेशान करे तो सीधे हमें आके बता देना। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि तेरे से कोई लाइन नहीं मारता था, तो शहनाज कहती थी कि हाँ मारते थे ना। फिर सिद्धार्थ कहता है कि अच्छा, तो जो जिससे प्यार करता था और दूसरे लड़के से वो लड़ाई करता था। फिर शहनाज कहती है कि हाँ फिर हमें क्या, लड़ते रहो मरते रहो, हमारा क्या जाता है। आज के क्लिप में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के साथ। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।